नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल LHA लाइव स्टॉक असिस्टेंट पशु चायक में। और मैं आज आपको बताऊंगा पशुओं के पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो शुरू करते हैं एनिमल डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, पशुओं के पाचन तंत्र के बारे में। तो इनके मुख्य अंग है मुख, माउथ, ग्रसनी, फेरिंग्स, ग्रसिका, इसोफेगस, आमाशय, स्टोमक, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुद्दा है ना। और इसके सहायक अंग भी होते हैं जिसको जीभ, दांत, लार ग्रंथियां, स्लाइव ग्लैंड्स, यकृत, लीवर, पित्ताशय, गॉल ब्लैडर, अग्नाशय, पैंक्रियास कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे जो मुख्य अंग है उनके बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के जो भी मुख्य अंग है उनके बारे में। और अगले वीडियो में आपको मैं इनके जो सहायक अंग है उनके बारे में बताऊँगा। तो शुरू करते हैं इनके मुख्य अंग पाचन तंत्र के। तो पहला मुख्य अंग है कि मुख गुहा, मुख फिल्ट्रम। इसमें जो भी मुख्य मुख्य पॉइंट होंगे, मुख्य मुख्य जो शब्दावली होगी उनके बारे में बताऊंगा। तो पहला है फिल्ट्रम, जो घोड़े के मजल में पाई जाने वाली खांच ग्रू होती है। घोड़े में सॉफ्ट प्लेट ज़्यादा विकसित होने के कारण एपिग्लोटिस के कादर को ढक देता है, इसलिए घोड़ा कभी भी मुंह से सांस नहीं लेता है एवं हमेशा नाक से उल्टी करता है। अर्थात जो घोड़े के अंदर जो सॉफ्ट प्लेट होती हैं वो ज़्यादा विकसित होती है, तो इसी कारण जो एपिग्लोटिस के आधार जो आधार होता है वो ढक देता है। तो इसीलिए जो घोड़ा होता है वो कभी भी मुँह से सांस नहीं लेता है, हमेशा नाक से ही सांस लेता है और उल्टी भी नाक से ही करता है। तो ये क्वेश्चन भी अधिकतर बार पूछा जाता है कि घोड़ा मुंह से सांस क्यों नहीं लेता है, तो वो एपिग्लोटिस के आदर के ढक जाने के कारण नहीं लेता और हमेशा नाक से ही उल्टी करता है। और खरगोश में मजल अनुपस्थित होती है, जो खरगोश होता है उसमें मजल एब्सेंट होती है। और कुत्ते की जीभ के शीर्ष पर ठीक फाइब्रोमस्कुलर कोड पाई जाती है जिसे लहसा कहते हैं। ये क्वेश्चन भी अधिकतर बार पूछा जाता है कि लहसा किसे कहते हैं, तो कुत्ते की जीभ के शीर्ष पर ठीक फाइब्रोमस्कुलर कोड पाई जाती है जिसे लहसा कहते हैं। और किंगुलम कुत्ते के दांतों से संबंधित होता है। अगला भाग है ग्रसनी, जिसको फेरिंग्स कहते हैं। यह पाचन तंत्र एवं श्वसन तंत्र दोनों का भाग है, अर्थात जो डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम है वह यह दोनों का कॉमन अंग होता है। यह भी अधिकतर बार पूछा जाता है कि पाचन तंत्र एवं श्वसन तंत्र का कॉमन अंग कौन सा है, तो वो है ग्रसनी फेरिंग्स। गुटुरल पाउच, यह घोड़े में पाया जाता है। यह ऑडिटरी ट्यूब के डाउनवर्ड डाइवर्टिकुलम है। फेरिंग्स में शांत अभिवृत्ति के छिद्र आकर खुलते हैं। दो ऑडिटरी ट्यूब्स, दो पोस्टेरियर नरेस और एक इसोफेगस और एक माउथ और एक लैरिंग्स। ये क्वेश्चन अधिकतर बार क्वेश्चन में पूछा जाता है जो आपके एक्सटर्नल एग्जाम होता है उसमें भी 2014, 15, 16, 17 इन तीनों ही सालों में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रसनी के जो छिद्र हैं उनके बारे में बताइए। तो दो नासा छिद्र अर्थात नाक में, दो कान में और एक मुँह में, एक कंठ में और एक ग्रसिका में, ये सातों छिद्र ग्रसनी में पाए जाते हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है। अगला मुख्य अंग है ग्रसिका या ग्रासनाल, जिसे इसोफेगस कहते हैं। ग्रासनाल एक मस्कुलर मेम्ब्रेनस संरचना होती है जिसकी लंबाई 3 से 3.5 फीट एवं व्यास 2 इंच का होता है। यह फेरिंग्स व स्टोमक के बीच की होती है और यह कार्डिया डायफ्राम के पीछे की तरफ स्थित होता है। तो ये भी मुख्य अंग है। इसका अगला मुख्य अंग है स्टोमक। यह बहुत बड़ा तथा एब्डोमिनल कैविटी का बहुत बड़ा भाग घेरे रहता है। यह मध्य रेखा मिडिल लाइन के बाई ओर स्थित होता है तथा इसमें 4 प्रकोष्ठ होते हैं, रूमन, रेटिकुलम, ओमेजम और ओबेमेजम। तो जो स्टोमक है यह जो बहुत ही बड़ा पार्ट होता है और इसके 4 भाग होते हैं। तो इन चारों के बारे में और स्टोमक के बारे में, नॉन रूमन थी और नॉन रूमन थी जो जानवर है उनके बारे में मैं अगले वीडियो बताऊंगा, सिर्फ स्टोमक के बारे में। तो हमारे अगले वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। अगला पार्ट है आंत्र, इंस्टेटाइन। यह शरीर की लगभग 20 गुनी होती है तथा यह मध्य रेखा के दाहिनी ओर स्थित व मेजेंट्री के द्वारा लंबा रीजन के जुड़ी रहती है। जो आंत्र होती है वो आमाशय के बाद का भाग होता है, जो 20 गुनी लंबी होती है तथा मध्य रेखा के दाहिनी ओर स्थित होती है। और जो मेजेंट्री होती है उसके द्वारा लंबा रीजन से जुड़ी रहती है। और इसके भी आंत्र के भी 2 भाग होते हैं, स्मॉल इंस्टेटाइन छोटी आंत और लार्ज इंस्टेटाइन बड़ी आंत। इनके भी 3-3 भाग होते हैं जो मैं स्टोमक वाले पार्ट के
साथ ही बताऊंगा इसके भी जो छोटी आँख होती है उसके 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, और जो बड़ी आँख होती है इनके भी 3 भाग होते हैं जिसे हम सीकम, कोलन और रेक्टम कहते हैं। तो इसके पूरी डिटेल्स के बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा। तो अंतिम और लास्ट जो मुख्य अंग है वो है गुदा, है ना। यह आहार नाल का अंतिम भाग होता है जो चौथी कोक्सीजल वर्टिब्रा के नीचे की तरफ स्थित होता है, और यह मल उत्सर्जन जो डेफिशिएशन के अलावा संकोचनी पेशियों व म्यूकस मेम्ब्रेन के उभारों के संकोचन से बंद रहता है। यह बाहर की ओर बाल रहित त्वचा से घिरा रहता है जिसमें बहुत सी श्वेत ग्रंथियां व सेबिक्यूस ग्लैंड्स पाई जाती है। इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन हल्के रंग की, कम गहरी और ग्लैंडनेस स्ट्रेफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम युक्त होती है। जो मुर्गे में जो एनस पाया जाता है जो अंतिम अंग होता है जिसे क्लोएका कहते हैं। तो ये क्लोएका यह नलिका का कार्य संरचना होती है, ट्यूबुलर लाइक जो फाउल में जो मुर्गे में पाई जाती है। तथा संयुक्त रूप से डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम व रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बाहरी क्षेत्र आउटर ओपनिंग होता है। यह बहुत ही ज़्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि क्लोएका किसे कहते हैं। तो क्लोएका ट्यूबुलर लाइक संरचना होती है और डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब पाचन तंत्र, यूरिनरी तंत्र, मूत्र तंत्र और जनन तंत्र, इन तीनों का कॉमन अंग होता है मुर्गे के अंदर। तो ये कुछ मुख्य मुख्य अंग हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, उनके बारे में बताया है मैंने। और मैं अगले वीडियो में आपको स्टोमक और आंत्रजस्टाइन है उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, जो स्टोमक रोमन्ति और अरोमन्ति जानवरों में कैसा होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को पूरा देखें और अगली वीडियो को जरूर देखें स्टोमक और आंत्र के बारे में। धन्यवाद।